जब दांव पर था कोहली का करियर, सिलेक्टर्स करना चाहते थे ड्रॉप, धोनी ने अचानक पलट दिया फैसला। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका। इंटरनेशनल क्रिकेट में रनों और शतकों की झड़ी लगाने वाले विराट कोहली का करियर पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की वजह से ही बाल बाल बचा था। सिलेक्टर्स कोहली को टीम से निकालना चाहते थे, लेकिन धोनी के एक दांव ने उनका करियर बचा लिया। महेंद्र सिंह धोनी अपनी कप्तानी में टीम के खिलाड़ियों को बहुत मौका देते थे, चाहे वह रोहित शर्मा हो या विराट कोहली। साल 2012 के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर खराब फॉर्म के कारण सिलेक्टर्स विराट कोहली को टीम इंडिया से निकालना चाहते थे, लेकिन धोनी ने विराट कोहली पर भरोसा दिखाया और उन्हें टीम से ड्रॉप नहीं होने दिया। तो हुआ कुछ यूं था कि टीम इंडिया के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने एक इंटरव्यू के दौरान इस बात का खुलासा किया। सहवाग ने बताया कि अगर 2012 में चयनकर्ताओं की चलती तो कोहली को भारत के लिए कभी टेस्ट मैच खेलने का मौका भी नहीं मिलता। भारतीय चयनकर्ता ऑस्ट्रेलिया में कुछ खराब पारियों के बाद कोहली को ड्रॉप करना चाहते थे। पहले दो टेस्ट में कोहली ने 10.75 की औसत से रन बनाए थे। सहवाग उस टीम के उप कप्तान थे व धोनी कप्तान थे। वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि अगर साल 2012 में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और उन्होंने मिलकर कोहली की जगह बनाई थी। सहवाग ने बताया था साल 2012 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जाने वाले तीसरे टेस्ट में चयनकर्ताओं ने विराट कोहली की जगह रोहित शर्मा को खिलाने का फैसला किया था, लेकिन कप्तान धोनी ने इस बात का निर्णय लिया कि वह कोहली को ही खिलाएंगे। सहवाग ने आगे बताया, उस वक्त मैं टीम का उप कप्तान था और महेंद्र सिंह धोनी टीम की कप्तानी कर रहे थे। हम दोनों ने विराट कोहली को पर्थ टेस्ट में प्लेइंग 11 में शामिल कराया और आगे जो हुआ वो इतिहास है। उस मैच में कोहली ने अपनी पारी में 44 और दूसरी पारी में 75 रन की पारी खेली। बता दें कि विराट कोहली के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में 80 शतक है। धोनी ने भरोसा नहीं दिखाया होता तो टीम इंडिया इस बेहतरीन खिलाड़ी को खो देती। तो दोस्तों, एमएस धोनी ने जो विराट कोहली के लिए किया उसके ऊपर आपके क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।